हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हरिओम गंगवार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉल्स फिशेस के बारे में। अब फॉल्स फिशेस को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी कि ट्रू फिश किसे कहा जाता है। तो ट्रू फिश की अगर हम बात करें, जो भी एनिमल क्लास कॉन्डिक्थिस या क्लास ऑस्टिक्थिस से बिलोंग करेगा उन्हें ट्रू फिश कहा जाएगा, या जो भी मेम्बर सुपर क्लास पाइसेस से बिलोंग करेगा उसे ट्रू फिश कहा जाएगा। और इसके अलावा अगर कहीं पर भी फिश टर्म का यूज किया जाता है तो फॉल्स फिश कहलाएगी। तो आपके सिलेबस में 10 फॉल्स फिशेस हैं, जिनमें से 7 एनसीईआरटी ने दी और 3 मैंने अलग से आपको दी हैं। ये 10 एग्जाम्पल एक साथ आपको याद करने हैं, क्योंकि जब अलग अलग आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद नहीं होती हैं। इसलिए मैंने पूरा टॉपिक एक साथ आपको दिया है ताकि आप आसानी से पूरे टॉपिक को एक साथ याद कर पाएं। तो यहाँ पर फॉल्स फिशेस में हमारे पास पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉमन नेम है, तीसरा साइंटिफिक नेम है और चौथा यहाँ पर ग्रुप या टैक्सॉन के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो फिश आपको दी गई है, दैट इज जेलीफिश। जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया और इसका जो फाइलम है दैट इज कॉल्ड सेलेंट्रेटा। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। दूसरा क्रेफिश की अगर हम बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने शामिल किया इसे। इसे एस्टेकस कहा जाता है और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करती है। तीसरे नंबर पे जो फिश है दैट इज सिल्वर फिश, जिसे लेपिश्मा कहा जाता है और ये भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर, ये भी एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई है लेकिन जरूरी इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे जो फिश है दैट इज कडल फिश, ये एनसीईआरटी में दी गई, साइंटिफिक नेम सीपिया है और ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करती है, ये भी फॉल्स फिश है। डेविल फिश की बात करें, दानों मछली, इसे ऑक्टोपस कहा जाता है और ये भी मोलस्का से बिलोंग करने वाली फॉल्स फिश है। छठे नंबर पे रेजर फिश, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दी है। रेजर फिश का साइंटिफिक नेम है सोलेन और ये भी मोलस्का का मेंबर है। सातवें नंबर पे शेल फिश, ये एनसीईआरटी में आपको दी गई। शेल फिश की अगर हम बात करते हैं तो शेल फिश का साइंटिफिक नेम नहीं है यहाँ पर, आपको ग्रुप का नाम याद करना है, दैट इज द मोलस्का फाइलम। फिर आपको स्टार फिश दी गई, ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, एस्टीरियास कहा जाता है और ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर है। नवे नंबर पे आपको हैग फिश दी गई है, जिसे मैगजीन कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया, कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर और साइक्लोस्टोमेटा इसके क्लास का नाम है। आखिरी नंबर पे वेल फिश, जिसे बेलेनोप्टेरा कहा जाता है, कॉर्डेटा इसका फाइलम और मैमेलिया इसका क्लास है। तो एक साथ यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉल्स फिशेस के, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अलग अलग याद करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन अगर एक साथ आप इन्हें याद करेंगे तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, उस टॉपिक को हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम ट्रू फिशेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।